Next is beta mesomeric effect. This is the king of all the effects. This is a highly very important effect to be done in the general organic chemistry portion. Inductive side mein ho gaya, least priority effect hai. Electromeric ko main stability intermediates ke judge karne ke liye use hi nahi karungi. Aur sabse zyada main jisko use karungi wo kaun sa effect hai beta? Mesomeric effect. Now what is mesomeric effect? Mesomeric effect mein basically hota hai delocalization. Delocalization of pi electrons in a conjugated system. Delocalization of pi electron in a conjugated system. Now understand each and everything very carefully. Delocalization ka kya matlab hai? Delocalization का मतलब देखो एक word होता है localized एक होता है delocalized. Localized मतलब एक किसी particular atom पे ही रुक जाना charge का और delocalization का मतलब होता है किसी एक particular atom पे charge का नहीं रुकना instead हर atom पे घूमना that is delocalization right. So for example अभी आप लोग इस position particular position पे बैठे हो तो that is you are localized to this position आप बैठ गए इसी position पे but आप यहाँ पे अपनी positions बार बदलते रहो यहाँ बैठ रहे हो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे घूमे जा रहे हो हर position में that is delocalization. तो अब हमने क्या बोला है कि हमारे pi electrons या फिर charge जो भी आएगा वो हर atom पे घूमता रहेगा कौन से system में conjugated system में तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट ठीक है अब सबसे पहले चीज मुझे समझनी पड़ेगी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है क्योंकि जब मैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझूंगी तभी मैं समझ पाऊंगी कि इस पर डीलोकलाइजेशन कैसे हो रही है तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेरे पास बहुत सारे तरीके के कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं बेटा क्या होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम ध्यान से देखिए जब भी कुछ ऐसा सिस्टम आए जिसमें दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए मतलब दो डबल बॉन्ड सेपरेटेड हो एक सिंगल बॉन्ड से दैट मेक्स अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर एग्जांपल अ स्ट्रक्चर लाइक दिस आई हैव टू डबल बॉन्ड सेपरेटेड विद अ सिंगल बॉन्ड दैट्स अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम आई हैव वन डबल बॉन्ड वन पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड विद अ सिंगल बॉन्ड दैट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस So this carbon is having a positive charge. This is sigma and this is the pi bond. So pi sigma positive. That's a conjugated system. We have a double bond, single and a negative. That's a conjugated system. Somewhat like this. That's a conjugated system. I have pi single or radical. This can be a conjugated system like this. देख रहे हैं मतलब कोई भी दो चीजें अगर एक सिग्मा से सेपरेटेड होंगी तो वो क्या बनाएगा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो दोनों के बीच में क्या हो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लेट्स से ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो दिस इज द कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज दिस इज द कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज बोथ आर सेपरेटेड विद अ सिंगल बॉन्ड सो वेन एवर यू हैव अ सिस्टम लाइक दिस दैट मेक्स अ conjugated system you can also have a double bond a lone pair of electrons separated with a sigma bond like this I have this lone pair this is the sigma this is the pi bond that's a conjugated system so anything like this makes a system conjugated aur aise conjugated system mein pi electrons ka delocalization hota hai beta aur jab bhi delocalization pi electrons ka hota hai us effect ko kya bol dete hain hum log मेसोमेरिक इफेक्ट एम आई क्लियर टिल नाउ कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको समझ आया अब इनमें मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे होता है हम इसकी बात कर लेते हैं पहले ये कॉन्जुगेटेड हमारे सिस्टम्स हैं ध्यान से सुनना मैं एक सिस्टम लेके चल रही हूँ अभी लेट मी टेक दिस सिस्टम इस सिस्टम का मैं एक डीलोकलाइजेशन करा के देख रही हूँ आप देखिए मैं फॉर अ वाइल के लिए 1, 2, 3, 4 कार्बन नंबर दे देती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि पाई बॉन्ड की पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो रही है ठीक है मैंने क्या किया इस पूरे पाई मेरे एरोस को बहुत ध्यान से देखना इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इस कार्बन टू और कार्बन थ्री के बीच में ले आई ऐसा करने के प्रोसेस में ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूटे और फोर पर आ गए देखिए क्या हुआ है द पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 के बीच में ठीक है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आके जब 2 और 3 में बैठे तो 2 को कोई फर्क नहीं पड़ा क्यों 2 इस साइड से पाई बॉन्ड बना रहा था लेफ्ट में अब राइट से बना लेगा क्या फर्क पड़ता है
लेकिन वन को फर्क पड़ा क्योंकि वन का एक बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड जो वो बना रहा था वो टूट गया क्योंकि वो टू और थ्री के बीच में चला गया। तो वन पर तो आ जाएगा बेटा एक तरीके का 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। टू और थ्री के बीच में मैंने पाई बॉन्ड को भेज दिया, टू और थ्री के बीच में आ गया पाई बॉन्ड। लेकिन ऐसे प्रोसेस में थ्री ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड बना रहा था इधर की तरफ, अब इधर की तरफ और पाई बॉन्ड बन गया, एक एच है उसके पास, तो उसके बॉन्ड एक्सीड हो गए, उसके चार से ज्यादा बॉन्ड हो गए, तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि भैया मैं जब इधर बॉन्ड बना रहा हूँ तो ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ देता हूँ, उसने ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ दिया और ये पाई बॉन्ड ऐसा टूटा कि फोर वाले उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नो। देखिए क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझते हैं एक और बार। वी हैव 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अगर बॉन्ड लाइन से समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ पे सब जगह जो है बेटा स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। ये मेरे पास CH3 है, यहाँ CH2 है, ये भी CH2 है, ये है CH3, ठीक है। हर जगह मैंने कार्बन बना दिए, हाइड्रोजन बना दिए। मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मैंने ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको उठा के टू और थ्री के बीच में भेजा, ऐसे प्रोसेस में ये एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट गए। क्या हुआ ये भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, दे आर लाइक वन कार्बन, वन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम दिस कार्बन, वन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम दिस कार्बन, दोनों ने लेटरल ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बनाया, ये पाई बॉन्ड टूटा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा बॉन्ड उठ के इधर आ गया टू और थ्री के बीच में। ऐसे प्रोसेस में इसका एक बॉन्ड टूट गया, जब इसका बॉन्ड टूटा तो इसके तीन कार्बन, तीन बॉन्ड हो गए ना, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, दो थे ना पहले कार्बन के साथ, ये वाले दो बॉन्ड थे, अब एक टूट गया, एक ही बचा दो एच के साथ, तो तीन ही बॉन्ड आए, तो चार ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर ये बॉन्ड इधर चला गया टूट के, तो इस सी एच को फर्क नहीं पड़ा कि ये इधर से बॉन्ड बना या इधर से बॉन्ड बना, बॉन्ड तो इसका है ही ना, तो इसको फर्क नहीं पड़ा, इसने यहां से बॉन्ड बना लिया। लेकिन ऐसे में बेटा देख, इसके पास अगर यहाँ एक पाई बॉन्ड मैंने एज्यूम कर लगा दिया, तो इस कार्बन के दो बॉन्ड यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ, पांच बॉन्ड हो गए। हाइड्रोजन नहीं हटता, हाइड्रोजन हट नहीं सकता क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और वो भी सिग्मा बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड टूट नहीं सकता, इसलिए वो जो हल्का सा बॉन्ड होता है, लूजली हेल्ड होता है, वो होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, तो अपना पाई बॉन्ड तोड़ देगा। ऐसे में जब ये पाई बॉन्ड तोड़ा तो ये सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये थर्ड कार्बन, इसका ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया और इसके इलेक्ट्रॉन्स किस पर आ गए, उस बगल वाले CH2 पे, तो ये CH2 पे आ गया नेगेटिव। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गया। इस पे आपने देखा पाई बॉन्ड कैसे डीलोकलाइज हुआ, मतलब पहले इन दो कार्बन के बीच में था, इन दो कार्बन के बीच में था, अब इन दोनों साइड के बीच में आ गया और इस पूरे प्रोसेस में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया, है ना। पहले कोई इलेक्ट्रोफिलिक नहीं था, कोई न्यूक्लियोफिलिक नहीं था, अब बन गया। तो अब हुआ क्या, इस पूरे इफेक्ट को क्या बोला जाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट के चलते क्या हुआ, मीजोमेरिक इफेक्ट के चलते इस स्ट्रक्चर का एक और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो कभी भी कोई एक मॉलिक्यूल जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और उनमें से कोई भी मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उस फिनोमिना का नाम आता है बेटा रेजोनेंस। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो एक्चुअली क्या होता है, बी वेरी स्पेसिफिक, मेसोमेरिक एक इफेक्ट होता है जिस इफेक्ट की वजह से एक स्ट्रक्चर के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं और उनमें से कोई भी मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो एक फिनोमिना आ जाता है जिस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट ब्रिंग्स रेजोनेंस इन द मॉलिक्यूल। ये तरीका, ये इफेक्ट जो ये इफेक्ट है ये मीजोमेरिक है। लेकिन ये जो हुआ जब एक मॉलिक्यूल का दूसरा स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर गया, इस फिनोमिना को बोलेंगे रेजोनेंस। हाँ, रियल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि तूने तो माना ये है, ये भी हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए, ये टूट जाए, तो इस केस में ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, तो तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर मानू सही, तीनों ही सही हुए ना, मतलब एक्चुअली में तो कोई भी सही नहीं हुआ। इन तीनों का जो, तीनों का इफेक्ट, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट एक रियल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, जैसे मॉलिक्यूल का क्या बोलता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये फिनोमेना होता है रेजोनेंस। तो मैं बताऊंगी क्या होता है रेजोनेंस, लिखेंगे रेजोनेंस क्या होता है, लेकिन फॉर अ वाइल आप इतना समझ लीजिए कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में अंतर है।
बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग और बहुत सारे, इनफैक्ट आप जब फाइनल पर भी कर जाते हो तो आपको पता नहीं होता मीजोमेरिक और रेजोनेंस में क्या अंतर है. मीजोमेरिक एक इफेक्ट है जिस वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या एग्जिस्ट कर जाता है, रेजोनेंस. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट राइट नाउ? तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस. हाँ जी बोलो. ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हो सकता है, पर होता क्यों? क्योंकि पाइवोट एक क्या है, एक तरीके से बेसिकली देखा जाए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है ना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग और ब्रेकेबल है क्योंकि वो इजिली ब्रेक हो सकती है. तो इसका अगर तुम ऑर्बिटल ओवरलैप देखो तो ये कुछ इस तरीके से है. देखो इस कार्बन का एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा, इसका एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा, इसका एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा, इसका एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा. ये पी ऑर्बिटल आपस में ऐसे ओवरलैप कर रहे होंगे, ये आपस में ऐसे ओवरलैप कर. ठीक है, अब फॉर अ व्हाइल के लिए लेट्स से ये पाई बॉन्ड जो बना है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेट्स से इसकी तरफ चले गए, तो इस वाले डेल पॉजिटिव, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा. इस पे डेल पॉजिटिव आएगा तो ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे अगर डेल नेगेटिव आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए. तो जब इस पे डेल पॉजिटिव इस पे डेल नेगेटिव आएगा क्या, तो हम अपन में ओवरलैप कर लेते हैं. तो ये अपनी तरफ खींचेगा. ये जैसे सपोज ये वाला सिस्टम कैसे बना है, हम इसको एनालाइज कर रहे हैं. पाई बॉन्ड बेटा क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है और लेटरल ओवरलैप की वजह से कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता नहीं है. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जरूरी तो नहीं है कि इनके बीच में मेजर है, हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ टेम्पररी शिफ्ट हो जाए. तो लेट्स से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ टेम्पररी शिफ्ट हुए इस वाले, तो इस पर थोड़ा सा डेल नेगेटिव आने लगेगा, इस पर क्या आने लगेगा, डेल पॉजिटिव. भाई इसके ओवरलैप, इस पर डेल नेगेटिव आया तो ये इसके बगल वाला ही है, ये इसमें पोलराइजेशन क्रिएट कर सकता है क्योंकि पाई बॉन्ड तो पोलराइजेबल पाई बॉन्ड होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं. तो कहेगा भैया दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो अपने, तो इसके ऊपर डल पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर डल नेगेटिव आ जाएगा. फिर कहेगा जब हम दोनों ऑपोजिट आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम ही बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये आपस में जब इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड टूटेगा. तो जब ये टूटा तो इसमें पूरा पॉजिटिव आया, ये बन गया, ये टूटा तो इसमें पूरा नेगेटिव आया, वी गॉट द स्ट्रक्चर. ठीक है, सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है कि इस पे डेल नेगेटिव इस पे डेल पॉजिटिव आए, है ना. तो मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होता है और आराम से पोलराइज कर सकते हैं एक दूसरे को. लेकिन ये हो सिर्फ तभी सकता है बेटा जब एक ही सिंगल हो, क्योंकि सपोज लेट्स से यहाँ पाई बॉन्ड ही नहीं प्रेजेंट और पाई बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ तो पी ऑर्बिटल हुए नहीं, तो ये वाला पी ऑर्बिटल इसके पोलराइजेशन से काफी दूर हो जाएगा, है ना, तो वो उसको पोलराइज नहीं कर पाएगा. तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जैसे देखो ये सिंगल सिंगल ऐसे, नाउ इसका पाई बॉन्ड यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, अब ये इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गए, है ना. और सिंगल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ हमेशा कम हो जाती है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इनके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा नहीं, है ना. तो इसलिए ये सारी चीजें सिर्फ कंजुगेटेड सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एक ही सिंगल बॉन्ड हो दो चीजों के बीच में, दो चीजों को सेपरेट करते हुए. तो आप देख रहे हैं जब दो पाई बॉन्ड है तो भी हो रही है. भाई अगर एक ऑर्बिटल पे पूरा ही पॉजिटिव चार्ज है तो 100% हो गया, क्योंकि अब तो बहुत स्ट्रांगली वो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, या एक पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. तो इसलिए सारी जगह कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करेगी, मतलब चार्ज है तो भी कॉन्जुगेशन है, दो पाई बॉन्ड्स है तो भी कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करेगी. और इस इफेक्ट को बोला जाता है मेसोमेरिक, इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल के कई सारे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर पाते हैं, इस फिनोमेना को बोला जाता है रेजोनेंस. तो मेसोमेरिक इफेक्ट कॉजेज रेजोनेंस इन द मॉलिक्यूल. You understand the point? अब इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस फर्स्ट, कि रेजोनेंस कैसे कराते हैं मॉलिक्यूल के अंदर. देखिए जरा, हमारे पास अगर इस तरीके का कोई सिस्टम है और इस तरीके का कोई सिस्टम है, जैसा अभी हमने डबल बॉन्डेड सिस्टम लिया कॉन्जुगेटेड इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया कि ये बॉन्ड इधर भी जा सकता है, ये बॉन्ड इधर जा सकता है इंटर. तो ऐसे करने के प्रोसेस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ बॉन्ड आया, यहाँ नेगेटिव आया. सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये बॉन्ड इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर सकता था जिस स्ट्रक्चर में यहाँ नेगेटिव हो यहाँ पॉजिटिव हो, है ना. मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर तीनों में से भी रियल स्ट्रक्चर कोई नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता बॉन्ड उधर जा रहा है, इधर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा कहीं पे भी. तो मैं क्या बोलूंगी, ये तीनों मॉलिक्यूल के क्या है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. क्या बोलेंगे हम इन्हें, दे आर मॉलिक्यूल्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स.
हाँ रियल बता रहे हैं, ये मॉलिक्यूल के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रियल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये नहीं है कि यही रियल है यही, इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर नहीं है. जो मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड. तो इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसे बनेगा जिसमें आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पाई बॉन्ड होना चाहिए, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पाई बॉन्ड होना चाहिए, इसके हिसाब से यहाँ पाई बॉन्ड होना चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड जो है इस तरीके से घूमता रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी बीच में, और नेगेटिव चार्ज या तो इधर इधर आ रहा है इसी तरीके से डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आ रहा है ना. तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो इस स्ट्रक्चर में या तो डेल पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है मॉलिक्यूल का डेल नेगेटिव. अगर सपोज इस स्ट्रक्चर को तूने उल्टा कर दिया तो लेफ्ट साइड डेल नेगेटिव राइट साइड डेल पॉजिटिव, तो दोनों स्ट्रक्चर्स मेरे अकाउंटेड हो गए. और किसी भी स्ट्रक्चर में बीच वाले दो कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा, तो यही मेरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड. हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है ना बेटा. भाई यहाँ पूरा पॉजिटिव तब आएगा जब यहाँ पूरा डबल बॉन्ड हो, जब यहाँ डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है तो पॉजिटिव कैसे फिक्स होगा. डेल मतलब वेरी लेस, मे बी देयर मे नॉट बी देयर, टेम्प्रेरी देयर, टेम्प्रेरी एग्जिस्टेंस. पॉजिटिव मतलब कंप्लीट एग्जिस्टेंस. तो आई एम नॉट फिक्सिंग द चार्ज हेयर, इट मे ऑसिलेट हेयर एंड हेयर, इट कैन बी हेयर अगर बॉन्ड यहाँ पर है, अगर यहाँ पे पूरा डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं आएगा चार्ज, है ना, तो चेंज हो सकता है. इसलिए हमने इस तरीके से लिखा. बात क्लियर हुई मॉलिक्यूल के ऊपर. तो इस तरीके से हर मॉलिक्यूल का आप क्या बना सकते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड. अब आप इधर देखिए, यहाँ पे चीजें थोड़ी चेंज होगी क्योंकि यहाँ मैंने ऑक्सीजन लगा दिया है ना. जब ऑक्सीजन लगा दिया और तुम्हें पता है ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज तो आने नहीं देगा, मतलब ये दोनों ही पाए इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि इस उल्टी डायरेक्शन में चल दिए. उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज लेना नहीं चाहता, इसलिए इसका डायरेक्शन जो है एक ही एग्जिस्ट होगा इस तरीके से. आई कैनॉट हैव अनदर डायरेक्शन. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, समझ बात को. ऐसे ही अगर लेट्स से कुछ इस तरीके का सिस्टम है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, क्यों, क्योंकि डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है. मैंने आपको बताया एरो रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कभी मूव नहीं करता. और भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं ना, तो मूव किसको कराओगे, इलेक्ट्रॉन को, मतलब पाई बॉन्ड को इधर मूव कराओगे. आप कभी भी पॉजिटिव चार्ज को इधर मूव नहीं कराओगे, ठीक है. तो इसका जो सब एग्जिस्ट करेगा वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा. ये इधर चला गया बॉन्ड, इधर आ गया, इस वाले पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, ठीक. अब वैसे ही देखो एक और चीज देखो जरा, लेट्स से ऐसा होता. नाउ हेयर आल्सो वी हैव इलेक्ट्रॉन, हेयर आल्सो वी हैव इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी भी जब भी रेजोनेंस डबल और नेगेटिव चार्ज के बीच में होती है तो लूजली हेल्ड कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज नीचे गिर के बॉन्ड बनाता है और ये पाई बॉन्ड टूटता है. जब भी पॉजिटिव और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होती है तो पाई बॉन्ड घूम के पॉजिटिव की तरफ जाता है. जब डबल और डबल के बीच में रेजोनेंस होती है तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, लेकिन डबल डबल और इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट हो किसी एक डबल पे, किसी एक यूनि डायरेक्शन में मूवमेंट होगी. मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली, आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी पाई बॉन्ड नहीं घुमा सकते. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बॉन्ड इधर जाए और ये इधर नेगेटिव आए, दिस कैन नॉट पॉसिबल. सिमिलरली इस केस में पॉजिटिव चार्ज नीचे गिरे ये बॉन्ड इधर, दिस इज नॉट पॉसिबल. ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, नीचे क्या आएगा, है ना. इस केस में कभी भी पाई बॉन्ड इधर नहीं जाएगा, क्योंकि जब नेगेटिव और पाई में कंपटीशन होगा तो नेगेटिव चार्ज लूजली हेल्ड है हमेशा, पहले वो ही नीचे गिरेगा, ठीक है. मतलब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप तुम्हें समझा रहे हैं कि पहला एरो कैसे बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, समझ रहे बात को. हाँ जी, किधर, इधर ये बॉन्ड टूट के इधर आया, तो इस वाले इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया ना, इस कार्बन पॉजिटिव आ गया, इस पे क्यों आया, ये बॉन्ड इधर आ गया ना, इधर नया बॉन्ड बन गया तो उसका पॉजिटिव हट गया, है ना. हाँ, दोनों जगह आ सकता है, इसलिए मैंने क्या करा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये सेम है ना, तो जरूरी है कि यहाँ से नंबर करूँ, यहाँ से नंबर का, यहाँ से नंबर का बात एक नहीं है,
तो इसलिए मैंने एक ही जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव दिखाया, उल्टा कर देगा स्ट्रक्चर को, दूसरी चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे होगा, तो अब देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर इस प्रकार बनेगा, है ना, समझ रहे हैं। तो आपको पहला एरो बड़ा केयरफुली रखना है कि पाए बॉन्ड उठ के पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव नीचे गिरता है, और अगर पाए और पाए होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो कुछ भी हो सकता है, पाए और डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। तो ये पहला स्टेप अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सही बनाएंगे तो आगे के सारे स्टेप आप बना पाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर होती है, इसको नोट करो, उसके आगे हम कॉम्प्लेक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के। चलिए अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, बेंजीन के ऊपर हमने ग्रुप लगा दिया यहाँ पे O माइनस, ये ड्रॉइंग इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले अब यहाँ कॉन्जुगेशन पहचानिए, नेगेटिव सिंगल डबल, तीन तरीके की कॉन्जुगेशन हमारे पास। तो नेगेटिव सिंगल और डबल में हमने क्या बताया था, स्टार्ट कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज नीचे जाता है पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से नीचे गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा देखेंगे, ये दो बॉन्ड तो एज इट इज रहे, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या बन गया डबल बॉन्ड। फिर से आप देखेंगे नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, फिर से नेगेटिव चार्ज नीचे गया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूट गया, ठीक। इस प्रोसेस में क्या होगा देखेंगे, यहाँ डबल यहाँ नेगेटिव, ठीक। फिर नेगेटिव चार्ज नीचे गया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूट गया, ठीक। फिर से देखिए क्या हुआ, ठीक। और फाइनली ये नेगेटिव चार्ज नीचे और ये स्ट्रक्चर अपना ऊपर, और वी हैव गॉट अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू द इनिशियल स्ट्रक्चर, एंड हेयर विल स्टॉप द रेजोनेंस। तो अगर मैं इस आयन को बेटा बोला जाता है फिनोक्साइड आयन, इस फिनोक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूं तो ये आते हैं मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनोक्साइड। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट एरो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। सिमिलरली अब आप यहां देखिए, अगर लेट्स से मैं इस तरीके से NO2 के इसके ऊपर एक ग्रुप लगा दूं NO2 लाइक दिस, नाउ हियर आप देखेंगे डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन चल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ O है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड को नीचे ना ले जाके इसी बॉन्ड को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, ठीक। ये दोनों बॉन्ड एज इट इज रहे मेरे पास, यहाँ क्या आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड N O नेगेटिव लाइक दिस, ठीक है। Now, इस केस में यहाँ पॉजिटिव सिंगल डबल की कॉन्जुगेशन आई, और पॉजिटिव सिंगल डबल में कौन मूव करता है, पाई बॉन्ड मूव करता है, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, एक ही एरो से दिखाएंगे। तो यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये एज इट इज डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव, ठीक। फिर से देखेंगे डबल सिंगल पॉजिटिव का रेजोनेंस, यहां पर आया पॉजिटिव डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जैसे ये वाला पाई बॉन्ड नीचे आएगा, इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा, इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव कौन सेटिस्फाई कर देगा, ओ का नेगेटिव। अब जैसे ये डबल सिंगल पॉजिटिव का रेजोनेंस है, ये डबल बॉन्ड नीचे आएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कौन सेटिस्फाई कर देगा, ओ का नेगेटिव। तो ओ का नेगेटिव नीचे आएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट स्ट्रक्चर यू गॉट इज द फाइनल रेप्लिका ऑफ द इनिशियल वन, बात क्लियर हो रही है। इस तरीके से मॉलिक्यूल के क्या ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको इनिशियल स्टेप पहचानना आपका आपके लिए क्या है जरूरी है। अब सोचिए इस पूरे केस में ध्यान से देखना बेटा, मैंने एक ग्रुप लगा रखा है बेंजीन के ऊपर जी, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप है जी ये अपने नेगेटिव चार्ज को बेंजीन के ऊपर सर्कुलेट करा रहा है ना। तो बेंजीन के ऊपर टोटल कौन से नेगेटिव कौन सा चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला जो ग्रुप है ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये वाले ग्रुप को मैं बोलूंगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी, ठीक। लेकिन यहां पे इस ग्रुप ने क्या किया है,
बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, जिस वजह से बेंजीन पे कौन सा चार्ज चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस ग्रुप को मैं बोलूंगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो हम यहाँ जो जी लगाते हैं बेटा, जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और जी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। जब ई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो नेगेटिव चार्ज घूमेगा बेंजीन के ऊपर, और जी जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो पॉजिटिव चार्ज घूमेगा बेंजीन के ऊपर। जो भी जी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कौन से इफेक्ट से कर रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट से। तो हम इसे बोलेंगे कि ये जी क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट। जब जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो कौन से इफेक्ट से कर रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट से। तो मैं बोलूंगी क्या शो कर रहा है, माइनस एम। तो रिमेंबर प्लस आई माइनस आई, सिमिलरली वी हैव प्लस एम एंड माइनस एम। प्लस एम और माइनस एम को कभी कभी किताब प्लस आर और माइनस आर भी लिख देती है, क्योंकि वो रेजोनेंस कॉज करते हैं इसलिए। तो ये वाला जो ग्रुप है ये प्लस एम शो कर रहा है, ये वाला ग्रुप जो है वो क्या शो कर रहा है, माइनस एम। तो माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल यूजिंग मेसोमेरिक, एंड प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन यूजिंग मेसोमेरिक। एंड दिस इज द एविडेंस कि इलेक्ट्रॉन मेसोमेरिक से कैसे डोनेट किए जाते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ, एनी डाउट? इसको लिख लो। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप अपने घर से बनाकर आएंगे। लेट्स ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CHO। अब बताइए इनिशिएट कैसे करना है, जो ऊपर ऑक्सीजन है उसका नहीं, क्यों? ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो H थोड़ी देखते हैं हम क्या देखते हैं, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन और यहाँ O है, तो ये वाला पाई बॉन्ड उठ के ये इन कार्बन के बीच में जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, जैसे NO2 में करा था हमने, है ना। सो विल इनिशिएट लाइक दिस, पॉजिटिव वो आना नहीं चाहिए इसलिए, फिर ये यहाँ से आ जाएगा। फिर ये बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर और ये इधर, यू गॉट दिस राइट। सिमिलरली लेट्स से मेरे पास फिनॉल है, अब देखिए रेजोनेंस कहाँ से होगी, अब लोन पेयर से होगी रेजोनेंस, जैसे नेगेटिव चार्ज होती थी वैसे लोन पेयर से होगी, लोन पेयर आर फ्री, तो लोन पेयर नीचे आएंगे, बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया डबल बॉन्ड ओ एच और फिर पॉजिटिव लाइक दिस, ठीक। फिर ये नेगेटिव चार्ज नीचे, ये बॉन्ड इधर, यू गॉट दिस। फिर सिमिलरली नेगेटिव चार्ज इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, डू यू गेट द पॉइंट, अंडरस्टैंड कैसे बनाना है रेजोनेंस। नाउ होमवर्क लिख लीजिए, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मैं सबके इनिशियल स्टेप बता दूंगी बेटा, बाकी ड्रॉ आपको करने। दिस इज पायरोल, इसका ड्रॉ करके आना है, इसका ड्रॉ करके आना है, इसका ड्रॉ करके आना है, और लेट्स से एक और स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं इस तरीके से, रेडिकल बना दिया, इसका ड्रॉ करके आना है। देखिए रेडिकल का कैसे ड्रॉ होता है पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको समझ आएगा।
ये मैं खुद ही करा देती हूँ, जैसे आपके पास ये रेडिकल है तो रेडिकल का बेटा होमोलिटिक क्लीवेज से रेजोनेंस होगा, ना कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज से, है ना। तो जैसे ये रेडिकल है, ये सिंगल है, डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन तो है। अब इसका रेजोनेंस कैसे कराइए, ये एक इलेक्ट्रॉन आके इधर इन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया, इस पाई बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, समझे कैसे हुआ। तो देखिए कैसे रेजोनेंस बना, यहां तो बॉन्ड बन गया CH2 पूरा, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, बट यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, फिर यहां पे भी ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब देख रहे हाफ एरो बना रही हूं मैं हर जगह, क्योंकि ये होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। यहां बॉन्ड इसके बेसिस पे कौन सा क्वेश्चन आते हैं, अभी बता रहे हैं ना, क्वेश्चन अभी कराया गया यहां तक, ठीक है। ये बॉन्ड एज इट इज, फिर इसके बाद ये होमोलिटिक, ये इधर और ये इधर, फिर यहाँ डबल बॉन्ड सी एच टू, और फिर फाइनली ये एक इधर और ये इधर। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस तरीके से आपको रेजोनेंस बनानी है, आपको एक दो तीन चार, चार मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स घर से बना के आने हैं। रेस्ट वी आर डूइंग इन द राइट नाउ क्लास, अभी आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम कुछ ग्रुप्स ले रहे हैं, हम बस आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्लस एम देते हैं, माइनस एम देते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं लाइक दिस, ओ एच, ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ, देखिए ध्यान से सुनेंगे, ऑल द आईज ऑन द बोर्ड, आई हैव द लिस्ट ऑफ द ग्रुप्स हेयर, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। अब ये ग्रुप्स बेटा इंडक्टिव भी शो कर रहे होंगे, प्लस है माइनस है, यही ग्रुप्स मेसोमेरिक भी शो कर रहे होंगे, प्लस है माइनस है ना। अगर बेंजीन पे लगे हैं तो ऑर्थो पैरा मेटा के हिसाब से इनके इफेक्ट देखे जाएंगे, मेटा पे लगा रहेगा तो सिर्फ इनका इंडक्टिव देखा जाएगा, ऑर्थो पैरा पे लगा रहेगा तो इनका मेसोमेरिक भी देखा जाएगा। तो अभी मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा दे रहे हैं, इंडक्टिव कौन सा दे रहे हैं, है ना। तो लेट्स से ये OH की बात करते हैं, इंडक्टिव के बेसिस पे तो आपको पता है OH क्या शो करता है बेटा, माइनस है, हमको पता ही है। लेकिन मेसोमेरिक के हिसाब से मैंने आपको बोला कि एटम पे क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर, और कि एटम पे लोन पेयर होता है तो वो ग्रुप क्या देता है, प्लस एम। तो ये साथ साथ माइनस आई के क्या देगा बेटा, प्लस एम, समझ रहे मेरी बात को। ये तो फिर माइनस वी का लिखा है। हाँ जी, ये माइनस वी लोन पेयर के नीचे, ये नेगेटिव, या तो लोन की एटम पे नेगेटिव हो या की एटम पे लोन पेयर हो तो वो प्लस एम देता है, ठीक। तो ये वाला ग्रुप क्या देगा, माइनस आई तो देगा देगा, साथ में क्या देगा, प्लस एम देगा। सिमिलरली ओ आर, ओ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ओ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस आई भी देता है, प्लस एम पे देता है, समझ रहे बात को। नाउ दिस सी ओ आर माइनस आई देता है, हमने माइनस आई के ऑर्डर में लिखा था इसे, तो माइनस आई देता है, साथ साथ की एटम इज अटैच टू अनदर एटम विद अ डबल बॉन्ड, मतलब क्या देगा, माइनस एम, समझ रहे बात को। इधर देखिए, अब की एटम आपका ये ओ है बेटा, तो ओ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो ओ क्या होगा, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो साथ में माइनस आई देगा और प्लस एम देगा, समझे बात को, क्योंकि की एटम पे लोन पेयर आ गया। अब इधर देखिए, की एटम अटैच टू अनदर एटम विद अ डबल बॉन्ड, माइनस आई और माइनस एम, समझे। इधर इसमें ऑप्शन सिंगल बॉन्ड से भी कनेक्टेड है बेटा, वो की एटम, तो पहला तो डबल बॉन्ड आ गया ना, सिर्फ सिंगल से, तो खाली सिंगल ही हो, डबल हो ही ना कोई भी, तो डबल आ गया तो डबल को प्रेफर। नाउ सी एच थ्री, सी एच थ्री हमने क्या शो करा था, प्लस आई और साथ साथ की एटम दूसरे एटम हाइड्रोजन से किससे अटैच होगा, सिर्फ सिंगल से, तो प्लस एम और प्लस आई, समझ रहे मेरी बात को, कोई दिक्कत।
ओ नेगेटिव की एटम पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या देता है प्लस एम। अच्छा आई में कौन सा इफेक्ट देगा, ओ नेगेटिव हमने कहां करा था, ओ नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है की एटम पे प्लस आई, याद है सीओ माइनस एन एच नेगेटिव ओ टू माइनस, तो जब की एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस आई आता है, की एटम पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो माइनस आई आता है। तो आप देख सकते हैं इस ग्रुप में और इस ग्रुप में फर्क, दोनों का प्लस एम तो है लेकिन इसका माइनस आई और इसका प्लस आई, क्यों, क्योंकि इसमें की एटम पे नेगेटिव है और उसमें की एटम पे लोन पेयर है। जब माइनस आई देखते हैं तो की एटम पे लोन पेयर नहीं देखते, हम ये देखते हैं की एटम पे नेगेटिव है नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस आई। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ एनओ टू की एटम इज अटैच टू अनदर एटम विद अ डबल बॉन्ड, तो माइनस आई के साथ साथ माइनस एम। साइनाइड की एटम अटैच टू अनदर एटम विद अ डबल और ट्रिपल, माइनस आई के साथ साथ माइनस एम। सी ओ एच माइनस आई माइनस एम, समझ रहे हैं? सी एफ थ्री सी सी एल थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बेटा, इसको मैंने इसलिए बॉक्स में डाला है, साथ में किसको भी बॉक्स में डालना, सी एच थ्री जो भी मैं बॉक्स में डाल रही हूँ उसको मैं और डिटेल में स्टडी करवाऊंगी, अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए ना। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि की एटम जो है दूसरे एटम से सिंगल बॉन्ड से अटैच है क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो टेक्निकली इसे क्या देना चाहिए, मेसोमेरिक में देखा जाए सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसे प्लस एम देना चाहिए, बट ये दोनों ही ग्रुप माइनस एम होते हैं और साथ में ये दोनों ही ग्रुप माइनस आई भी होता है। माइनस आई तो समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट होगा, लेकिन ये एक्सेप्शन टू दिस रूल है कि प्लस एम हमेशा वो शो करता है जिसमें कि एटम दूसरे एटम से किससे अटैच होता है, सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि सी एफ थ्री सी सी एल थ्री माइनस एम शो करते हैं, इनमें इफेक्ट दूसरा लगता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, विल गोइंग टू डू दैट लेटर ऑन, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों क्या शो करते हैं माइनस एम इफेक्ट। नाउ लेट्स कम हेयर, एटम अटैच टू अनदर एटम विद अ डबल बॉन्ड, माइनस आई माइनस एम। की एटम अटैच टू अनदर एटम विद अ ट्रिपल बॉन्ड, तो माइनस आई दे सकता है बेटा, ये तो हमें पता ही है, साथ में ये प्लस एम भी दे सकता है और माइनस एम भी दे सकता है, जनरली इसमें प्लस एम डोमिनेंट माना जाता है। ऐसा क्यों, मैंने दोनों फिक्स क्यों लिखे, तो सोचो बेटा बेंजीन के ऊपर अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन लगा दिया जाए तो इसको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या, नहीं ना, तो ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, याद है जो हम ये वाला रेजोनेंस करते थे, इसमें ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, दोनों साइड आ सकता है, ऐसा थोड़ी कोई डिफरेंस है, लेकिन यहां पर अगर ओ लगा देते तो एक ही साइड जाता। अब यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन बेंजीन के साथ लगाया तो कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है ना, तो इसमें प्लस एम माइनस एम दोनों ही शो किया जा सकता है, कभी कभी इसका प्लस एम देखा जाता है कभी कभी माइनस एम देखा जाता है, डिपेंडेंट अपॉन कि कौन से ग्रुप से अटैच। ठीक, नाउ NH2 की एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, NH2 माइनस आई देता है बट की एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो साथ में क्या देगा प्लस एम। यहाँ पे देखेंगे की एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो माइनस आई के साथ साथ क्या देगा प्लस एम, मिथाइल CH3 की एटम पे लोन पे प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, माइनस आई के साथ साथ क्या देगा प्लस एम। अब इनको भी मैं बॉक्स में डाल रही हूँ भाई, की एटम पे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या शो करेंगे, माइनस आई या प्लस आई, क्या पागल है, पता नहीं, ये आई नहीं पढ़ा था, अच्छा तूने नहीं पढ़ा, प्लस आई या माइनस आई, पागल हो गया, माइनस आई सबसे ऊपर लिखवाया था NF3 प्लस एंड NR3 प्लस, तो बोथ शो माइनस आई। अब इनका मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करी जाए तो बेटा ये मेसोमेरिक इफेक्ट दे ही नहीं सकते, दे डू नॉट शो मेसोमेरिक इफेक्ट, नो मैटर एट ऑर्थो प्रेजेंट है पैरा प्रेजेंट है कहीं भी प्रेजेंट है, पूछे क्यों, क्योंकि अगर मैंने किसी बेंजीन के ऊपर NH3 पॉजिटिव लगा दिया तो बेटा क्या ये बेंजीन से ऐसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं, अगर ऐसे बॉन्ड बनाएंगे तो इसके पांच बॉन्ड नहीं हो जाएंगे नाइट्रोजन के, अगर ये बॉन्ड ऐसे गया और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया तो ये देखियो क्या हो जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो जाएगा कि इस नाइट्रोजन के हमारे पास पांच बॉन्ड आ गए हो, क्या नाइट्रोजन फॉर्म फाइव बॉन्ड्स, तो विल दिस बी एबल टू शो प्लस प्लस एम और माइनस एम समथिंग लाइक दिस, रेजोनेंस शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो नो मैटर ये ग्रुप्स कैसे भी हो, चाहे ऑर्थो हो चाहे मेटा हो चाहे पैरा हो, ये ग्रुप्स हमेशा क्या शो करेंगे, सिर्फ इंडक्टिव, दिस ग्रुप डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। बात क्लियर हुई, कोई डाउट?
दिस कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर ग्रुप को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि माइनस आई है, माइनस एम है, प्लस आई है, प्लस एम है, कौन सा ग्रुप है. और ये जो हमने बॉक्स से इसमें ग्रुप्स डाले हैं, इनकी और डिटेल स्टडी हम लोग करने वाले हैं. बात क्लियर हो गई, नोट कर लो. लेट्स ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल. ये हमारे पास पायरोल है. वेट रुद्र. द लोन पेयर्स विल गो हेयर, द पाई बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस. तो ये लोन पेयर यहां आ गया बेटा, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज और ये आ गया डबल बॉन्ड एज इट इज. देन दिस अगेन नेगेटिव चार्ज वेंट हेयर, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, ये यहां आ गया. अब ये बॉन्ड एज इट इज रहा बेटा, यहां डबल बॉन्ड बन गया और ये टूटा तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक, अगेन दिस नेगेटिव चार्ज वेंट दिस साइड, द बॉन्ड विल ब्रेक दिस वे. यहां आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड और यहां आ गया डबल बॉन्ड. ठीक है, आई विल कंटिन्यू इट टिल आई गेट दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जिससे मैंने शुरुआत करी थी. ठीक है, अभी फिर से ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक, और फिर फाइनली ये बॉन्ड नीचे जाएगा और ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर एज अ लोन पेयर आ जाएंगे एंड आई विल गेट द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच आई स्टार्टेड विद. सो दीज आर ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरा. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से हम लोग जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछता है. दिस क्वेश्चन वॉज आज इन 2018. क्वेश्चन क्या था देखिए ध्यान से. द क्वेश्चन वॉज, सॉरी, पायरोल का स्ट्रक्चर दे रखा था हमें इस तरीके से और यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है. ये फर्स्ट पोजिशन, ये सेकेंड पोजिशन, ये थर्ड पोजिशन, ये फोर्थ पोजिशन, ये फिफ्थ पोजिशन. ठीक, और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था एट वॉट पोजिशन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विल बी लोकलाइज्ड. कौन सी पोजिशन पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेंगे? अगर मुझे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मैं यही बोलूंगी कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर तो सिर्फ नाइट्रोजन में प्रेजेंट रहेंगे. लेकिन नाइट्रोजन पे थोड़ी प्रेजेंट रहेंगे, वो तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है ना. तो नाइट्रोजन के बाद वो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे भी जा रहा है, फिर वो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, फिर नाइट्रोजन पे आ रहा है. तो हर जगह नेगेटिव चार्ज आ रहा है. तो मुझसे ये पूछा जा रहा है किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे रहेगा, चाहे वन है या इनमें से कोई आप आंसर दीजिए. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज बेटा वहां रहना चाहेगा जहां पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ऑफकोर्स सी बात है. तो हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज या लोन पे जो भी प्रेजेंट है वो कौन सी पोजिशन पे सबसे ज्यादा स्टेबल है. और चार्ज को आप लोग कैसे स्टेबल करते हैं? चार्ज को उसको नलीफाई करके आप स्टेबल करते हैं, क्योंकि चार्ज को हम लोग क्या मान के चलते हैं बेटा? एक बर्डन मान के चलते हैं. तो अभी कौन सा चार्ज घूम रहा है? द चार्ज दैट इज ऑसिलेटिंग इज द नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज को आप कैसे वो करोगे, स्टेबलाइज करोगे? इलेक्ट्रॉन उससे खींच के. आपको ऐसा ग्रुप चाहिए जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा हो, तो वहां पे उस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्या है सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा. ठीक, अब मैं अगर इस पोजीशन की बात करती हूँ, इस पोजीशन में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और इस ग्रुप में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है मेरे पास, है ना. नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस नाइट्रोजन का कौन सा इफेक्ट होगा बेटा इस पे? माइनस आई का इफेक्ट. तो ये नेगेटिव चार्ज पे ये नाइट्रोजन क्या लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट. सिमिलरली यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये नाइट्रोजन क्या लगा रहा है बेटा इसमें? माइनस आई इफेक्ट, है ना. अब माइनस आई इफेक्ट जो है डिस्टेंस के साथ क्या करता रहता है? डिक्रीज करता रहता है. मतलब यहाँ पे माइनस आई काफी स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू ये माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और माइनस आई के बीच में काफी डिस्टेंस है. तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो यहाँ स्टेबल है तो एक ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनने वाला है और बेटा एक ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि दोनों केसेस में नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन के क्या है? क्लोजेस्ट है. ठीक, तो अब ये पोजिशन आइडेंटिफाई कर लो. ये वाली पोजिशन कौन सी है बेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से? टू पोजिशन. ये वाली पोजीशन कौन सी स्ट्रक्चर के हिसाब से? फाइव पोजीशन. तो आंसर है टू एंड फाइव पोजीशन. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट?
ना आंसर वन है, ना आंसर थ्री है, ना आंसर फोर है, आंसर क्या है, टू एंड फाइव पोजिशन. द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन नीट 2018. डू यू अंडरस्टैंड? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं रेजोनेंस से. तो आपको पहली बात, हर मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम तब तक बनाते हैं जब तक मुझे ओरिजिनल मॉलिक्यूल नहीं मिल जाता, ठीक है. और मुझे करना कुछ नहीं होता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में. एक लोन पेयर अगर बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड मैं तोड़ दूंगी, उसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना रहा है तो फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, एंड वो ऐसे करते करते पूरे सिस्टम पे पाई बॉन्ड्स और नेगेटिव चार्ज क्या करते रहेंगे, ऑसिलेट होते रहेंगे, राइट. तो एक बात बताइए, हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे थे बेटा. मीजोमेरिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? मीजोमेरिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जो एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जब भी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई क्लाउड होता है तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट. तो मीजोमेरिक इफेक्ट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. यही हमने डिस्कस किया बेटा. और कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन से होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया कि डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव डबल, सिंगल नेगेटिव पॉजिटिव सिंगल, जो भी एक सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड बट सेपरेटेड रहेंगे वो वाले सिस्टम्स क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड. और इनके अंदर जब मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो मॉलिक्यूल का एक फिनोमिना एग्जिस्ट करेगा, उस फिनोमिना का क्या नाम होता है बेटा, रेजोनेंस. जिस फॉर्मूला, जिस फिनोमिना से मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन पाएंगे पर उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा. मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाया जाता है, मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड. यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. हमने जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट में दो इफेक्ट स्टडी करे थे, एक प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस एम इफेक्ट. तो प्लस एम इफेक्ट वो शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. इसके लिए की एटम पे क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर की एटम दूसरे एटम से सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड अटैचमेंट होनी चाहिए. जबकि अगर माइनस एम इफेक्ट हम लोग शो करते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि की एटम जो होना चाहिए उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर की एटम जो होना चाहिए दूसरे एटम से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए. यही हम लोगों ने डिस्कस किया था. फिर हमने बहुत सारे ग्रुप्स डिस्कस कर लिए थे जिसपे हमने ये डिस्कस करा था प्लस आई माइनस आई के साथ साथ प्लस एम माइनस एम का क्या वेरिएशन होता है. यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? श्योर. तो ये आप लोग नोट कर लीजिए. इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट के चलते कार्बोकेटायन कार्बेनायन रेडिकल्स इन सब की स्टेबिलिटी को जो है जज करेंगे. बात क्लियर हो गई? अच्छा एक चीज और, ये भी हमने डिस्कस किया था कि रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग पे एग्जिस्ट करता है, मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. मेटा पोजिशन पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट चलता है, इंडक्टिव इफेक्ट. यहां तक क्लियर है? नाउ द टॉपिक इज हाउ टू प्रिडिक्ट. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. देखिए मॉलिक्यूल के जब एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और मेरे पास क्वेश्चन आता है बताइए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चंस मैक्सिमम अमाउंट में हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो हमें क्या क्या रूल्स को ध्यान रखना होता है, जो मैं रूल्स लिखवा रही हूँ बेटा उसे सीक्वेंसली ध्यान रखना है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में. ऐसा नहीं कि अपने रूल्स अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर दे, अगर ऊपर हिसाब से ऊपर नीचे कर दोगे तो स्टेबिलिटी गलत कर दोगे, ठीक है. तो सबसे पहला रूल हमें ये देखना होता है, अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बेटर देन चार्ज्ड. अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बेटर देन चार्ज्ड, इज ऑलवेज बेटर देन चार्ज्ड. इसका मतलब लेट्स से मेरे पास मॉलिक्यूल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर है और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बनाया. देखिए ये बॉन्ड इधर गया तो इधर आया पॉजिटिव, ये हो सकता है. इसमें हमने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को इधर भेज दिया, इस बॉन्ड को तोड़ के वो नेगेटिव कर दिया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है. मुझसे पूछा जाए पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छा है या सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छा है, तो रूल नंबर वन को ध्यान रखेंगे, अनचार्ज स्ट्रक्चर हमेशा बेटर रहेगा चार्ज से, क्योंकि चार्ज हमारे लिए केमिस्ट्री में थ्रू आउट क्या रहेगा, एक बर्डन, राइट. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर वुड बी ऑफ कोर्स बेटर देन द सेकंड वन विदाउट एनी डाउट. बात क्लियर हुई? सेकंड चीज हम देखेंगे द स्ट्रक्चर इन विच एवरी एटम, स्ट्रक्चर इन विच
एवरी एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट इज ऑलवेज बेटर is always better. बेटा ये टॉप प्रायोरिटी ये सेकेंड प्रायोरिटी मतलब डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में लिखवा रही हूँ. सबसे पहले ये देखेंगे, ये नहीं मिलेगा तो ये देखेंगे एंड सो ऑन ऐसे चलेंगे. अब लेट्स से मेरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है. समवॉट लाइक दिस, ठीक है. इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा मैंने ऐसे बनाया, देखना था ध्यान से एक बार. इस पाई बॉन्ड्स को इधर नीचे गिरा दिए, ठीक. तो जब ऐसे करूंगी तो ये वाला पाई बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, यहाँ एक पाई बॉन्ड बन जाएगा. ओ के लोन पेयर गए तो ओ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और सी एच थ्री. आई गॉट दिस. अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में से मुझे कंपेयर करना है, मैं इसे थर्ड बोल रही हूँ बेटा, इसे फोर्थ बोल रही हूँ, मुझे इन दोनों में से कंपेयर करना है तो मैं ये देखूंगी भैया दोनों ही चार्ज स्ट्रक्चर है, दोनों में से ऐसा तो है नहीं कि कोई अनचार्ज हो, तो रूल नंबर वन तो वैलिड ही नहीं है. तो मैं सीधा किस पर आ जाऊंगी, रूल नंबर टू पे. जैसे मैं रूल नंबर टू पे पहुंची, अब मुझे देख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो वो बेटर है. तो बेटा इसमें ये वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चार बॉन्ड है इसके पूरे, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चार बॉन्ड है पूरे, लेकिन इस वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इस कार्बन पे क्या है एक पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ कार्बोकैटायन. इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ और दो लोन पेयर रखे हुए, तो सबका ऑक्सीजन कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है एक्सेप्ट दिस कार्बन, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. लेकिन जैसे मैं यहाँ जाती हूँ बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट क्योंकि इसका एक पाई बॉन्ड बन गया, लेकिन और इसका भी कंप्लीट है क्योंकि इसके एक ही लोन पेयर तो गया, एक लोन पेयर तो प्रेजेंट है ना. तो इस ऑक्सीजन पे देखिए दो दो चार पाँच छः सात आठ, आठ इलेक्ट्रॉन पूरे. इवन दिस ऑक्सीजन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट. तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से सबसे बेहतर स्ट्रक्चर कौन सा हुआ बेटा, फोर्थ का स्ट्रक्चर बेटर हुआ किससे, थर्ड से, क्योंकि फोर्थ में सबसे ज्यादा ऑक्टेट सबके कंप्लीट है. और यही वो पॉइंट होता है जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और तुम नहीं पहचान पाते कि ऑक्टेट सबका किसका कंप्लीट है. तो अगेन मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझना, हर एटम का ऑक्टेट क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर बेटर होगा. लेकिन सबसे प्रायोरिटी हम उस स्ट्रक्चर्स को देंगे जिसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. यहाँ तक क्लियर हुई बात. नेक्स्ट डिक्रीजिंग, हाँ नहीं लेता लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना, डबल पॉजिटिव नहीं लेगा क्योंकि उससे ऑक्टेट नहीं हिल जाएगा उसका. तो ऑक्सीजन कैन टेक अप अ पॉजिटिव चार्ज इफ द ऑक्टेट इज कंप्लीट, इफ इट इज नॉट कंप्लीट इट विल नॉट टेक अप. तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं और दो दो पॉजिटिव चार्ज लगा दी, मतलब कहने का ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो सकता, ठीक है. यहां तक बात क्लियर होगी. अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. और वैसे भी ये स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर है नहीं मॉलिक्यूल का, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वैसे भी खत्म हो जाना है, बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफी टाइम तक एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. दोनों में से कौन सा स्टेबल है बेटा, तो फिर वही एग्जिस्ट करेगा ना. अब आते हैं द स्ट्रक्चर इन विच मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्ट इज ऑलवेज अ बेटर स्ट्रक्चर. ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो बेटर होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे इस तरीके के स्ट्रक्चर दिया गया, एक स्ट्रक्चर ये है बेटा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना दिया गया है, एक स्ट्रक्चर ये बना दिया गया है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर ऐसे भी बना दिया गया है. फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसे भी बना दिया गया है. इस मॉलिक्यूल के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, ये सेकंड है, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो सबसे पहला रूल कौन सा, अनचार्ज स्ट्रक्चर हैज टू बी बेटर देन द चार्ज्ड. इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है बेटा, इस पे चार्ज है, सबसे बेटर कौन सा स्ट्रक्चर होना है फर्स्ट. फिर उसमें मैं देखूंगी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो वो बेटर होगा. इसी एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि कोई चार्ज नहीं आ रहा, उसको तो मैंने बेस्ट कर ही दिया. इसमें जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसमें इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसमें जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना. तो ऑक्टेट रूल किसी में फॉलो नहीं हो रहा इन तीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो मैं इसको स्किप कर दूंगी, इस पॉइंट पर आऊंगी. ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो बेटर होगा.
बॉन्ड ज्यादा क्या होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड्स तो सेम ही रहने क्योंकि रेजोनेंस प्रोसेस से पाई बॉन्ड टूटते हैं, तो ओवरऑल आप ये देख लो कि किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो इसमें कितना पाई बॉन्ड है, दो, इसमें कितना पाई बॉन्ड है, वन, इसमें कितना पाई बॉन्ड है, जीरो, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किस हिसाब से चलेगी, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री और थ्री के बाद फोर्थ, डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, इज दैट क्लियर? सो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे मेडिकल ने, नीट ने वही पूछना था कि कौन सा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसे डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा कि कौन से पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज रहेगा, है ना, तो विल गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंटली मेडिकल में और जेई में, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेजोनेंस में से। यहां तक बात क्लियर हुई? तो हमारे पास ये तीन पॉइंट आ गए, आगे और भी पॉइंट है, पहले आप तीन नोट कर लीजिए। हमने थर्ड लिखा कि द स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज ऑलवेज बेटर। अब फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, द स्ट्रक्चर इन विच ऑपोजिट चार्जेस आर प्रेजेंट टुगेदर इज ऑलवेज बेटर, प्रेजेंट क्लोजर लिख देते हैं, is better than the structure in which like charges are present together. So what I'm trying to say is, ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से का स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, और एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, मुझसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली सबसे बेटर तो यही होना क्योंकि अनचार्ज स्ट्रक्चर बेटर होता है चार्ज से, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, तो फर्स्ट बेटर हो गया। अब सेकंड थर्ड को चेक करना है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑक्टेट वाला रूल फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट आया जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, बेटा दोनों में पाई बॉन्ड सेम है तो बॉन्ड वाला भी फॉलो नहीं हुआ, तो वाला फॉलो करेंगे जिसमें ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो पास होते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं या फिर सेम सेम चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे से दूर होंगे। तो इसका मतलब आप यहाँ देखेंगे सेम चार्जेस पास पास प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस पास पास प्रेजेंट है, तो कौन सा बेटर होगा, थर्ड बेटर होगा किससे, सेकेंड से। इज दैट क्लियर? और लास्ट प्रायोरिटी पे हम लोग वो देखते हैं कि द स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज बेटर। देन द वन इन विच नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये लास्ट वैरायटी में देखेंगे कि भाई कुछ भी नहीं समझ आ रहा, किसी भी पॉइंट से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही, तो मैं बोल दूंगी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा। तो अक्षत, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं ले सकता, दैट हैज बीन टेकन एज द लीस्ट प्रायोरिटी इफेक्ट टू बी चेक्ड। तो अगर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है वो लास्ट में देखना है, उससे पहले अगर कोई इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि भैया ऑक्टेट कंप्लीट है या नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है तो वो प्रायोरिटी पे रहेगा, ठीक है, इसलिए हम उस चीज को नहीं देखते उस स्ट्रक्चर में कि ऑक्सीजन इज टेकिंग द पॉजिटिव चार्ज शुड बी अनस्टेबल, क्योंकि वो वाला जो रीजन है वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे चेक किया जाएगा, अगर कोई और रीजन या कोई और स्टेबिलिटी का कारण उस पर वैलिड नहीं है तो। इज दैट क्लियर टिल नाउ? तो इस बेसिस पे आप क्या देख सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। और एक चीज आप याद रखिए बेटा, रेजोनेशन जैसे आप देखते ना इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग कर रहे थे, उसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखाई थी, इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट चेंज इज बॉन्ड लेंथ, बट अगर रिएक्शन हमारा इस तरीके से हो रहा है कि उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट हो रही है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा बॉन्ड लेंथ को चेंज करता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड टूट गया, डबल की जगह क्या आ गया, सिंगल आ गया,
तो जब आप रेजोनेंस करोगे तो कोई डबल बॉन्ड टूटेगा, कोई डबल बॉन्ड बनेगा. तो जहां डबल बॉन्ड बना है वहां बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, जहां डबल बॉन्ड टूटा है सिंगल बॉन्ड आया वहां बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. तो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस हमेशा बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट कभी भी बॉन्ड लेंथ को चेंज नहीं करता है. तो इसे नोट कर लेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट चेंजेस बॉन्ड लेंथ. While inductive effect does not. तो अगर कोई भी question bond length का आएगा तो obvious ही बात है वो कहाँ से solve होगा, mesomeric effect से. Is that clear till now?